आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में कहीं भी निवाज नहीं पढ़ी जाती थी। निवाज जानता ही नहीं था 1400 साल पहले, क्यों निवाज भी कोई चीज होती है। लेकिन ये जो अपने मॉडर्न भाई है, इनके बुजुर्ग होशियार थे, एडवांस थे, उस जमाना में उस योगा को हाईजेक करके और उन्होंने इसका निवाज का नाम दिया और पूरे समाज को समझाने में कामयाब हो गए अपने समाज को कि ये अपना धर्म है 5 मिनट की निवाज अदा करो। आज पूरे विश्व में निवाज अदा की जाती है। 1400 साल पहले कोई जानता ही नहीं था, इतिहास आप पढ़ा के उठा के देख रहे। एक रामदेव बाबा का आज तक चैनल आता है, आप देखते हो तो बहुत बढ़िया। नहीं, एक बार मेरे कहने से जरूर देखना, सुबह 5 बजे आता है। उसमें योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, योगा कराते हैं। और एक अपने मोमडन भाई जो अपने आसपास में रहते हैं, वो जब निवाज अदा करे तो उनको बारीकी से देखना। सेम एक चीज है उसमें, वो रामदेव बाबा जो योगा बताता उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम एक ही चीज है। जो आदमी निवाज के माध्यम से 5 बार पसीना निकाल ले, आसन कर ले, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं जिसकी उम्र 80 साल लिख दे, लेकिन 100 साल पहले नहीं जाएगा। एक बार भी आपा पसीना आ रहा है, अपने गांव में बैठे जगह योगा करवा की आवश्यकता नहीं है। गांव में बैठे जगह के लिए खेती बाड़ी को काम है और है वो कर लो, भी सही पसीनों काट लो एक बार, आम का आम गुठली का दाम, इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। और फिर भी बाप जी कोई नहीं हुए तो घर में योगा कर लो, एक बार पसीनों निकाल लो, मैं गारंटी से कहूं 80 साल और 100 साल पे नहीं खोल जाए। अपने माता बहना बेटी है, अपने देखो दादी उस टाइम के जमाने में 4 बजे उठती थी, बाहर निकालती थी, घर के सामने भी निकालती थी, घर में भी निकालती थी, बिलोवना हाथ से बिलोती थी। उस जमाने में अपन चकड़ा लोटी से मिर्च बांटते थे, सारा काम मैनुअल करते थे उस जमाने में। आज सब काम मशीनों से होने लगे। आपने गांव में एक दाई माई रहती, हर बार डिलीवरी करवा दी पूरा गांव की। इतिहास उठा देख लो, जैसे बैठे उठे गणाई अंदर लोग बैठे, मेरी भी डिलीवरी दाई के माई के माध्यम से हुई। और आज डिलीवरी को टाइम आवे जो 15 दिन पहले हॉस्पिटल में 1-1.5 लाख रुपया तो कम से कम बढ़े दे रहना पड़े, क्यों आपा काम करा को नहीं, पसीनों काटा को नहीं, तो बाप जी फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ोगे, बीमारी फेर लगेगी, समय से पहले थाने भगवान के बैठ जाना पड़ोगे। इसलिए मैं सबसे को प्रार्थना करता हूं कि पसीना निकालना चाहिए एक बार कैसे भी करके, ताकि बीमारियां घर में प्रवेश ही नहीं करें। तो ये मेरी प्रार्थना रही है। मैंने जो आपको बताया कि शहीदों को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए, मैंने आपको बताया मोमडन भाई थे, उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, आज पूरे विश्व में उनका समाज सुखी। और जो धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे तो अपन भी दुखी रहेंगे। ये जो शहीद है इनको धर्म के साथ जोड़ना अपनी भी जिम्मेदारी। और धर्म के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसका सीधा सीधा तरीका है। आज पूरी पंचायत के लोग बैठे, प्रधान जी भी बैठे और भी मौजूद लोग बैठे, आपको बैठ के गांव में तय करना चाहिए कि भाई हमारे यहां से जब भी कोई बारात छड़ेगी तो सबसे पहले दूल्हा यहां धोख लगा के बाद में इस बारात में जाएंगे। 36 बरादरी के लोग, ऐसा नहीं है कि वो जाट है, ये बहुत गलतफहमी है। शहीद होने के बाद वो देश की धरती, देश का पूंजी है और देश का देवता है, इसलिए चाहे वो किसी भी जाति बरादरी को हो, सबकी जिम्मेदारी कि बरात यहां से चढ़े तो सबसे पहले यहां दो। जब दुल्हन लेके अपन गांव में बढ़े तो घर में प्रवेश करने से पहले दूल्हा और दुल्हन यहां आशीर्वाद ले। इस प्रकार का काम अपन को सबको मिलके करना चाहिए। माता बहने बेटी आज तक धर्म के प्रति थोड़ी इनकी ज्यादा होती है, आपको विशेष तौर से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, कभी कोई गाय भैंस बकरी दूध नहीं दे, छोटी मोटी बीमार हो जाए तो एक नारियल ले जाओ बाजार से और बिन मन में तय करके गहराई में लीजियो कि माँ की यदि ठीक हो जाएगी, दूध दे देगी, तो वो नारियल में शहीद के छड़ाऊंगा। थाने फायदो मिले तो छड़ा जो, नहीं मत छड़ा, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको फायदा मिलेगा। और यही नहीं, साल में एक बार परीक्षा आती है, मात्र एक बार,
मैं जो अब जो बात कह रहा हूं आपको, इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है, भाषण नहीं है। परीक्षा का टाइम आए, सब माँ बाप की जिम्मेदारी के अपने बच्चों को भी कि बेटा सबसे पहले नहा धो के और वहां शहीद का आशीर्वाद लेना, बाद में स्कूल में जाना। जो बच्चा आकर के यहां धोख देगा उसका अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है तो उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा, और जिस बच्चे का माइंड वॉश हो उस टाइम पे वो पेपर लिखेगा, परीक्षा देगा, तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयास करके देंगे। तो इस प्रकार से अपन को सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, ये मेरी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना।